वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम पूनम शर्मा। भारत हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। इस दिन 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी। भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को तोरोलिंग, टाइगर हिल और दूसरी बड़ी लड़ाइयों को याद किया गया और इसी के साथ लद्दाख में द्रास क्षेत्र में कारगिल युद्ध स्मारक पर 559 दीपक जलाए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मौके पर तिलहटी में स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे और पीएम मोदी इस दिन हर साल इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 7 दिनों तक चले इस युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों को कारगिल विजय दिवस में याद किया जाता है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों को इस इलाके से हटा दिया था और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तोलोलिंग की तिलहटी में स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। एजेंसियों ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत भी कारगिल विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में शहीद हुए नायकों के सम्मान में मनाया जाता है जो मातृभूमि की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। हर साल इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में इंडिया गेट पर अनंत लौ अमर जवान ज्योति पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिए कारगिल सेक्टर और देश भर में अन्य जगहों पर भी समारोह आयोजित किए जाते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम इस साल सीमित रहेंगे। सेना के अधिकारियों ने समाचार एजेंसियों को बताया कि कोरोना वायरस के कारण कारगिल विजय दिवस 2021 में इस साल समारोह को कम किए जाएंगे। कारगिल युद्ध की जीत के 22 साल पूरे होने के जश्न का बिगुल बजाने के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन पूरे आयोजन के दौरान सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। तोरोलिंग, टाइगर हिल और दूसरी बड़ी लड़ाइयों को रविवार को याद किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि देने में लद्दाख के द्रास क्षेत्र में कारगिल युद्ध स्मारक पर 559 दीपक जलाए गए। 22वें कारगिल विजय दिवस समारोह की शुरुआत के अवसर पर शीर्ष सैन्य अधिकारी, सेना के जवानों के परिवार के सदस्य और अन्य लोग मौजूद थे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।